तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। आप लोगों की ही यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागतम। अगर आप लोग अपने लैपटॉप को बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों का लैपटॉप की बैटरी का चार्जिंग कैपेसिटी पहले से कम हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपने लैपटॉप की बैटरी हेल्थ चेक कर पाएंगे। इसके लिए आप लोग सर्च बार में आके टाइप करना कमांड प्रॉम्प्ट लिखकर सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग सिंपल से रन एज एडमिनिस्टर इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपल से यहाँ पे टाइप कर देंगे पावर CFG स्पेस देकर फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद आप लोग लिखेंगे बैटरी रिपोर्ट। ये लिख देने के बाद आप लोग सिंपल से एंटर के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंटर के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सी विंडो सिस्टम बैटरी रिपोर्ट HTML। तो आप लोग सिंपल से अपना दिस PC शॉर्टकट इसको ओपन कर लेना। दिस PC को ओपन करने के बाद आप लोग अपना जो सी ड्राइव है इसको ओपन कर लेना। आप लोग सिंपल से यहाँ पे जो विंडो वाले ऑप्शन है इसको ओपन कर लेना। विंडोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में आके टाइप कर देना System32, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। System32 लिखकर सर्च करने के बाद आप लोग के सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग सिंपल से इसको ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद सर्च बार में आके सर्च करना यहाँ पे जो लिखा हुआ है बैटरी रिपोर्ट .html, इसको यहाँ पे सर्च करना, ठीक है। तो इसको सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने बैटरी रिपोर्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपल से इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना। ओके, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, बैटरी रिपोर्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और बैटरी रिपोर्ट ओपन होने के बाद आप लोग अपना कंप्यूटर नेम, सिस्टम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, सारी डिटेल्स यहाँ पे देख पाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख पाए होंगे कि बहुत दिन होने के कारण आप लोगों का लैपटॉप का बैटरी कैपेसिटी पहले से कम हो गई है, ठीक है। आप लोग कैसे अपना बैटरी कैपेसिटी इंप्रूव कर पाएंगे इसके ऊपर मैं भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करने के लिए मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।